एक समय से एक ही गल होनी चाहिए। तुम कॉलेज का टूर लैके पिछले दिन दरबार साहब गए हो जी, दरबार साहब नमस्कार की मत्था टेकिया, तुम उभर गए। हाँ जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साढ़े जिम्मेवार संस्था है, जे घटो घट वो इतने प्रबंध कायम करते हुए कीर्तन के समय पाठ नहीं, तो जे उन्हें रवाजें रखी हो चुके पे हो जिम्मेवार कौन? जो साड़िया जिम्मेवार संस्थावान कोई हटा नहीं रहा, समझा नहीं रहा, हटाने का अर्थ है समझा, कई कीर्तन थले राखी साहबान कर रहे, तुम कीर्तन सुनो। लोग उठे गुटके लाए क्यों कर रहे जी? मैं एक दिन तुम्हारे सामने पूछा जी कि सानू फलाने बाबा जी ने कहा दरबार साहब जाके ना पांच दो सुखमनी साहब के पाठ करो तो तुम्हारा बच्चा बाद जरूर चले जाएगा जी। उसे तुम हसो जानी होर भी गल देखी होनी है जी कि एक पासे दरबार साहब अंदर कीर्तन हो रहा है ना स्पीकर के राही वो लोग सुन रहे परिक्रमा तक जा रहा, दूजे पास अकाल तख्त साहब के सामने ढाडी लाए हुए एक स्पीकर बुला के बैठे हुए वो बंदे भी पांच बैठे सारे श्रोता जन भी देख सकते हैं। जे असी चार इतने शरीर बैठे रहे हैं, जे असी चार ही बोलना शुरू कर देंगे तो थोड़े समझ में की आ जाएगा? एक चीज होर भी है बड़ी सरल समझने भी, जिन्होंने गिनी मिथी साजिश के तहत गुरबाणी नालों सिखा तोड़न का यतन किया, उन्होंने ये नहीं कभी उन्होंने पता से भी यह गल अभी लोगों को आखा तुम बाणी टुट दो तो किसी नहीं टुटना, आखिर गुरु है वह सिखा का सिख गुरु लुटेगा इसका। उन्होंने की किया भी यह कह भी इन्होंने सिखा गुरु तोड़ दो, उन्होंने तरीका की वरतिया भी बाणी समझना इन्हों से आए क्योंकि समझना ही असल ज्ञान है। उन्होंने की किया भी वो तो वह पढ़ाओ कितने जोड़ा बंदा जपजी साहब पौने घंटे पढ़ रहा है सहजे सहजे पढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ समझेगा, उस तीरथ तप दया दान जीपो पावे तिलका मान वो तप भी समझेगा भी यह तप भी तिलका मान आख्या गया साढ़े किन्ने तपी तुरे फिरते हैं, पर जो वो पढ़ूगा भी मैं एक घंटे के मतलब पंजा जपजी साहब पढ़ने हैं फिर वो इतने रुकेगा नहीं भी तीरथ तप दया दान जीपो पावे तिलका मान फिर उन फटाफट पढ़ेगा होया कि भी यह कहेगा तू देखो जी वध बाणी पढ़ा रहे हैं वो वध नहीं पढ़ा रहे बाणी की विचार वाली जी गल सी ना उन्होंने खत्म की जा रही है बाणी गिनतियां मिनतियां नाल पढ़ा के कारण यह है जी। मुख्य गल तो जो देखी जाए तो असल च बहुते लोगों ने साढ़े प्रचारक प्रबंध ने साढ़े आगुआ ने गुरबाणी साड़ी लोड़ बनने नहीं दिती, जिहड़ी चीज लोड़ ही नहीं वो कोई क्यों अपनाएगा क्यों कोई करेगा? हाँ जे तुहानूं लोड़ आ तो मैं कर दिना इहदा फल तुहानूं मिल जाणा, जिवें ज्ञानी जी होरां ने पहलां भी कहा भी फल की जिहड़ी तौड़ आ उह बहुत वड्डी लगदी। पहली गल तां ना किसे नूं फल दा ही पता फल की आ ना किसे नूं पता भी इह मिलणा कित्थों इह किवें मिलणा, और दौड़ ऐसी लग गई है भी बाणी साडी लोड़ ही नहीं रही। देखो मोबाइल लोड़ सी मुश्किल बनी ते अनपढ़ां ने भी सिख लिया, सुनना सीख लिया करना सीख लिया, टीवी घर पिया बजुर्ग अनपढ़ां ने भी उन्होंने चलाना वेखना सीख लिया, बसों में चढ़ के सफर करदे किराया देना ते किराया जिहड़े पैसे वापस मिले किराए विचों वो पैसे गिणने टिकट संभालनी ये सारा कुछ भी साडियां बजुर्गों ने अनपढ़ां ने सीख लिया मुश्किल बन गई। इवें दीआं होर बहुत सारियां गल्लां ने बाजार विचों जिन्ना सौदा सौदा साजो समान साडे पिंडां वाले बजुर्ग भी अनपढ़ लोग भी खरीददे आ वेचदे आ लैंदे सारा कुछ कितें भी कोई धोखा नहीं खा रहा। एक किसे छोटा जिहा नुक्ता होर ऐड करो, जे तुसीं कहो बाजार चों बंदा खरीददा ट्रैक्टर लै जांदा रंग देखदे उत्ते थान पाए होणा बजाजी दुकान दे उत्ते ते मतावा कहिंदे वीरा आओ थान ला अगे थले वाला नहीं उतला थान अच्छा एह उह रंग लै जानी कि जदों भी असं कोई सौदा खरीदते हाँ अखा खोल के सौदा खरीद साढ़े सूबकार पुजारियों ने जे आगुआ ने या धार्मिक श्रेणी ने एक योजा मुद्दा नहीं दिता कि गुरद्वारे आओ तो अखा मीचो जो गुरबाणी को बैठ के अखा मीचते हैं यद अर्थ यह स्पष्ट होंगे भी गुरु साहब अभी तो नहीं देखना। हाँ बिल्कुल गुरु साहब अभी तो सुनना भी नहीं चाहते देखना भी नहीं चाहते। गल इस तरह की बन गई भी जिमें कोई मनुख पहली गल तो चानण चाहता सी कि चानण मिले, जे चानण मिले तो अखा बंद कर लिया तो फिर यह दोष दिता भी नहीं चानण तो है ही नहीं। चलो जे गुरबाणी समझण की आप गल कर रहे थे जिमें तो खास करके जोड़े विदेशों में वीर ने जी जो इतों जाते हैं पंजाबी तो अलावा बहुतियां इंग्लिश भी नहीं आती, खास करके जिथे जिन्ह देशों के इंग्लिश नहीं वरती जाती जिमें जर्मन चल जाओ
उत्थे डच भाषा, इटली चल जाओ उन्हां दी अपनी भाषा, नॉर्वे चल जाओ उत्थे नॉर्वेजियन है। फिर की होंदा है कि इत्थों गए हुए जिहड़े सज्जन ने उन्हां दी जरूरत बन जाती है, वह उत्थे सिखदे ने, औखे होके भी सिखदे ने, पर गुरबाणी जिहड़ी आ उन्होंने अपनी जिंदगी की जरूरत अजे नहीं समझी, इस करके कुछ जिहड़े सज्जन ने उन्होंने गुरबाणी है जिहड़ी वह औखी लग रही है। सो इस तरह कई बार आप फल की जिहड़ी गल की प्राप्ति हो जाए घर साढ़े सिंह जो अखंड पाठ साहब भी जाते हैं तो कई बार घर परिवार वाले कह देंगे ने कि जोड़ा तुम पाठ आ वो बड़े ध्यान के नाल बड़ा शुद्ध करे, कि जे अगला उन्होंने सवाल किया जाता है कि जे पाठ वधिया हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, नियम नाल हो गया, फिर कहते जी इहदा सानू फल प्राप्त हो। अगला जो सवाल उन्होंने किया जाए कि जे मन लवो कोई गलती हो गई, कोई हूं ताई रह गई, तो फिर जिहड़ा पाप आ वह किनू लगेगा, वो कहते जे गलती करोगे पाप तुहानू लगेगा, जे पाठ ठीक करोगे हर समय हर समय इस तरह की जी हादसा भी बनी। देखो लोका ए विडान मन अंधा ना हो सके। खैर मैं जरा अगले सवाल वाला आप आइए कि गुरबाणी सुखैन ढंग के नाल समझण वास्ते कि गुरबाणी के अंदर कोई इस तरह का नियम लागू होता है कि जिन्हों असी समझ लीए तो सानू सुखैन रूप के गुरबाणी समझ आ सकती है। सो भी सुखविंदर सिंह जी क्योंकि इन्होंने बहुत समा हो गया गुरबाणी की संख्या करवाया हो, तो मैं इन्होंने को जानना चाहवागा कि जिमें कत्ती राग आम तौर पर सारे स्रोत जानते हैं कि कत्ती राग गुरबाणी के अंदर वरते गए हैं, तो कुछ जी बाणी रागों तो रहती है, तो कई बार कुछ गुरबाणी के अंदर जोड़े लफ्ज़ ने उन्होंने नाल दो दो लगा मात्रा आ जाए ने, औंकड़ भी आ जाता है, तो कई बार घोड़ा भी आ जाता, जखीर के कुछ जोड़ा अखर है वो सियारी भी आ जाती, जिदे कारण कुछ संगतान औखियाई महसूस होंगी है समझण के लिए कि असं इसमें किमें करना। सो भी सुखविंदर सिंह जी होना को समझ का यतन करिए कि गुरबाणी के अंदर किम ने संखेप मात्र सरल जोड़े नियम ने वो संगत श्रोताजनों के साझे करो ताकि गुरबाणी को सुखैन ढंग के समझ सकन के लाभ उठा सकन। असल च गल जिमें पहला भी लंबी आप विचार कर ली है कि साडे लोगों ने बहुत ही बारी गुरबाणी को ध्यान नाल देखे ही नहीं, साडे अंदर एक गल बजती गई कि इन्ना पाठ तुम्हें करना ही करना, अखंड पाठ चल रहा तो वो पन्न की गिनती है भी इन्ने पन्ने मैं करने हैं, जे असी आम घर रूटीन च नितनेम पाठ कर रहे हैं तो असं गिनना ही हाँ भी असं पांच करती हैं, सत्त करती हैं, असं छे करती हैं, असं तीन करती हैं, विधि वो एक स्पीड मिल गई है। मैं उही कह रहा जी जो पन्ने करोगे पन्न की गिनती तो स्पीड वध ही जानी है, घट जानी है, तो जो बाणी को समझने वाले पास विचार वाले पास तुरे ही नहीं है तो फिर उन्होंने कुछ लोगों ने पूरी शरारत नाल कह लो जां एक सानू अज्ञानता बस खारे समुद्र च सुट्टण की खातर यह एक रच लिया गया मन मिथ लिया गया कि इहदे विच गुरबाणी विच तां कोई नेम नहीं हैगा, जो गुरबाणी च कोई नेम ही नहीं तां उहदे अर्थ जिवें मर्जी कढ़ी जाओ, जो मर्जी उह समझाई जाओ, संत शब्द आ गया तो संत शब्द कह दो भी ये किसी बंदे वास्ते, जे उहदे नेम नूं ध्यान च रखिया जाए तां संत दे तत्ते नूं लगा होया औंकड़ दसदा है भी इह इक संत वास्ते है, तो वह एक संत कौन हो सकदा, ठीक है, अपने आप इन्हों का भोग पै जाएगा। और गुरबाणी बकायदा एक नेम च लिखी गई है, बड़ी हासू एडियन लोगों की कहानी है, एक गुरबाणी तुक पढ़ के सारे साडे समाज में यह कमलियां बना के बैठे हुए हैं, अभी अखर लिखे सही गावा अवर ना जाना बाणी, अखर लिखे सही गावा अवर ना जाना बाणी लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहब एक एक पहला पाया है अगे ऊड़ा है खुला अखर लिखे सही गावा अवर ना जाना बाणी, गावा कह दिता लेकिन बिंदी तो उठी है नहीं कि पाठ ध्यान ना करके लिखण साडे वीर पैणा, अखर लिखे सही गावा अवर ना जाना बाणी जिवें लिखी है उवें पढ़नी, हालांकि पन्ना वावे नूं पन्ना उत्ते बिंदी नहीं है लेकिन बोली जाती गावा बणदा, फिर आखिर जिवें लिखी उवें पढ़नी,
फिर आप की करते हैं सोरठ महला पंजवा और अर्क काबे ला लिया जी कितों लिया अर्क जिन्हें फिर दो बंदियां लगी हैं जे जेवे लिखी उमें पढ़नी है जिमें ज्ञानी जी ने पहले ही उदाहरण दी है असी तो जपजी जी शुरू कर सकते गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत नहीं हो सकती एक लिख गया है ओ लिख गया है लकीर लिखी है जे जिमें लिखी उमें पढ़नी है तो सतनामों क्यों नहीं पढ़ते जी जी ये कर्ता पुरखों क्यों नहीं पढ़ते ये अकाल मूर्ते क्यों नहीं पढ़ते सो जिमें लिखी है उमें इस तरह नहीं पढ़ी जा सकती एक बहुत बड़ी हासोहीणी गल है साडे पाठी भी कई बार लड़ते मैं देखे इस गल तो उलझते हुए देखे है अगर हुक्मी हुक्म चलाए राहो पढ़ना क्यों क्योंकि ये जी अखे साडे वड्डिया बाबिया ने मजादा चलाई है वड्डे बाबे इस तरह पढ़ते सी असीं भी उवें पढ़दे जे वड्डे बाबे पूछ डिगे होण तां असीं मगर पूछ थोड़ी डिग जाणा हुण वेखो हुक्मी बड़े महाराज जी ते बड़े ब्रह्म कहिंदे जी अगर हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाहो ये पढ़ी जाते हैं ये गलत उचारण है हुण देखो राहो पढ़ना क्योंकि अंकड़ लगा पहला दसो हुक्मी हुक्म जिहड़े वीर भैणा भी इस नूं भी वेखणगे मैं उन्हां नूं भी बेनती करनी चाहांगा कि हुक्मी हुक्म हुक्म दे मम्मे नूं अंकड़ है वो किस रूल के तहत छड्या गया उत्थे कोई व्याकरण लागू नहीं होंदी वो कोई नियम लागू नहीं होंदा मैं होर अगली उदाहरण तुहाडे सामने रखना जपजी विचों ही क्योंकि बहुत सारे वीर भैणा जपजी का पाठ आम तौर पर करदे सन देखो गुरा एक देह बुझाई एक दे कक्के नूं इत्थे अंकड़ नहीं है सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाए इतने एक दाता दे एक दे अंकड़ लगा हुआ कक्के दो लाइन एक उपरली लाइन च एक दे कक्के नूं अंकड़ नहीं है दूजे एक दे कक्के नूं अंकड़ लगा हुआ की ये कोई मनमर्जी वरती गई गुरबाणी का पाठ करने वाले साढ़े बहुते वीर भैणा ने कदे ध्यान दिता होगा भगत तीन स्वरूप मिल जाते हैं भगत तत्ते नूं अंकड़ वाला भगत तत्ते नूं सियारी वाला भगत तत्ता मुक्ता इसे तरह सब तिने स्वरूप मिलते हैं सस्ता बब्बा अंकड़ वाला सस्ता बब्बा सियारी वाला सस्ता बब्बा मुक्ता मन के जड़े इवे मन के स्वरूप मिलते हैं एक का स्वरूप इसे तरह मिलता कक्के नूं सियारी वाला अंकड़ वाला मुक्ता तो इस तरह के बड़े सारे शब्द अमृत शब्द मिल सकता है सात शब्द मिल सकता है नाम शब्द मिल सकता है उसके बीच एक शब्द आया तीन वारी आया लेकिन तिना का पहरावा वगैरह बिल्कुल आहर सब आहर सब करता है आहर एक ना हो नानक जित आहर जग उधर है बिरला बुझे देखो आहर शब्द जोड़ा है तीन रूप तीन रूप बिल्कुल उच्चारण एक है हम आहर सब करता है जी जी इतने आहर राय रूप मुक्ता है अंकड़ नहीं है आहर एक ना हो इतने आहर दे राय रूप अंकड़ लग गया नानक जित आहर रारे को सियारी लग गई है जी हुण आहर सब करता फिर सारे आहर यानी बहु वचन आहर एक ना होए एक आहर की गल एक वचन पुलिंग आ गया जित आहर द्वारा सियारी लग गई और बड़े गुरु साहब ने बड़ी मेहनत नाल बड़ी ध्यान बड़े ध्यान नाल बड़ी नीज नाल गुरबाणी नूं एक नेम दे विच परो के ते इस बाणी नूं साडे तक पहुंचाया निजमबद्ध बाणी नूं रखिया गया और जे असी इन्हां नेमां नूं समझण दी कोशिश करिए ते सानूं कोई टपला नहीं ला सकदा सानूं कोई कुराए नहीं पा सकदा उलझण विच नहीं पा सकदा पर सानूं क्योंकि इस पासे गल लोड़ ही नहीं इस पासे तुरने दित्ता गया सानूं फसा दित्ता गया तुसीं जी ए रखिया दे शब्द लै लो ये दुख भंजनी दा गुटका लै लो फिर तुसीं श्रद्धा पूर्ण ग्रंथ लै लो जी और साढ़े कुछ जिहड़े आ उह इस वक्त कह लो कि पंथ नूं कुराए पाउण वाले पांच सत्त बंदे जिहड़े आ मोहरी हो के ते कदी कुछ ते कदी कुछ नवें तों नवां शोशा छड के ते इहनां बंदियां ने इह सारा ते कुछ कु साडियां संपर्दावां जिहड़ियां आ उह सिरे लग के इस गल नूं काम कर रहियां ने और साढ़े लोग समझते हैं कि यह बड़ा वधिया काम हो रहा भी सानू ये जी ये दुख भंजनी गुटका देता जी ये सानू शब्दा पूर्ण ग्रंथ देता जी साडे रखिया दे शब्द दे दिते जी मैं एक मिसाल तुहाडे सामने रखदा कमाल की गल है भी मुकदमा जितने वास्ते आ शब्द का पाठ इन्नी बारी इस विधि नाल करो मान लो जी मेरा ते तुहाडा झगड़ा अदालत विच चलता होवे है ना मेरा ते तुहाडा झगड़ा अदालत विच चलता होवे उसे शब्द का पाठ मैं कर रहा नेम विधि उसे का पाठ तुम कर रहे हो रब कि पास जाएगा